नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं एंड्रो जावा टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास के बारे में अपने पिछले सेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसी सेशन की कंटिन्यूस में ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ पे हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और यहाँ पर डिस्कशन हमारा ये था कि जावा में एक रूल होता है कि किसी भी क्लास का जो बाइट कोड होता है उसका जो नाम होता है वो क्लास के नेम से सेम होता है, राइट। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है वैसे इन जनरल कि जो आपका बाइट कोड है वो उसका नाम क्लास के नेम से सेम है, बट जब स्टैटिक नेस्टेड क्लास आप बनाते हो यानी कि क्लास के अंदर क्लास बनाते हो तो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास जो बनती है उस केस में यहाँ पे तो बाइट कोड अलग अलग नाम से हो जाता है। एक तो पेरेंट क्लास के नेम से बनता है और एक दूसरा बनता है पेरेंट क्लास का नाम डॉलर चाइल्ड क्लास के नेम से बनता है। तो यहाँ तो रूल ब्रेक हो गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या जावा ने ऐसा किया? क्या जावा ने ऐसा मतलब जावा बिल्कुल टेक्निकली ग्रामेटिकली कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं है जिसने अपने ग्रामर को यहाँ पे चेंज कर दिया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ कि जो जावा का रूल है, देखिए जावा, ये चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावा के अंदर और बहुत ही अच्छा लगता है हमें कि एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर कि जावा के अंदर जो ओप्स के कंसेप्ट हैं वो जो इसकी रूल्स रेगुलेशंस हैं जो एक बार बना दिए गए हैं वो हर जगह फिट होते हैं और वो कभी फेल नहीं होते, राइट। तो अगर हम ग्रामर की बात करें, टेक्निक की बात करें, तो जावा से बेस्ट लैंग्वेज अभी भी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है जो अपने ग्रामर के नाम पर जानी जाती है। तो जावा ने रूल को ब्रेक नहीं किया कि किसी क्लास का नाम बाइट कोड के नेम से होता है। आपने कहा सर कैसे रूल को ब्रेक नहीं किया? यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर क्लास का नाम एक इनर है, एक आउटर है और बाइट कोड हमारा आउटर डॉलर इनर नाम से बना है, तो ये तो अलग अलग हो गया। तो देखिए ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, यहाँ से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ये रूल ब्रेक हो गया, ठीक है। ये रूल ब्रेक हो गया कि हमारा क्लास का नाम और बाइट कोड का नाम अलग अलग नाम से बना, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको अपने पिछले भी सेशन में बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ एक टूल होता है जावा पी, राइट। जावा पी नाम का टूल होता है, ये किसी बाइट कोड को डीकम्पाइल करता है, डीकम्पाइल करके उसके सोर्स कोड को फिर से दिखाता है। तो अगर हम जावा पी के साथ आउटर डॉलर इनर करके देखें, ठीक है, चलिए केवल आउटर करके देखते हैं, तो जाहिर सी बात है आउटर क्लास का जो नाम होगा, उसकी जो डिटेल होगी वो हमें दिखा देगा कि एक आउटर क्लास है, उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंसेप्टर है, ठीक है, चलिए क्लियर है। अगर मैं जावा पी के साथ आउटर डॉलर इनर करके दिखाता हूँ, ठीक है, और इस केस में अगर इसने जावा पी करके हमने आउटर डॉलर इनर किया, अगर इस केस में इसने अगर क्लास का नाम इनर दिखा दिया तो समझ लीजिए रूल ब्रेक हो गया, और इसने क्लास का नाम आउटर डॉलर इनर दिखा दिया तो रूल ब्रेक नहीं होगा। देखिए आप, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास का नाम इनर नहीं है, क्लास का नाम आउटर डॉलर इनर है। तो जावा ने रूल ब्रेक नहीं किया जावा के अंदर। तो आपने कहा सर फिर ये कहानी क्या चल रही है? कहानी समझ में नहीं आ रही है। कहानी देखिए ये है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब आप नेस्टेड क्लास बनाते हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब आप नेस्टेड क्लास बनाते हो तो हमारे पास जो इनर वाली क्लास होती है यानी कि ये इंटरनल जो बनाई गई है, ठीक है, वो स्टैटिक हो नॉन स्टैटिक हो डजंट मैटर, तो इनर वाली क्लास का जो नाम है ये क्लास का नाम ही कंपाइल टाइम पे चेंज कर दिया जाता है। कंपाइलर कंपाइल टाइम पे क्लास का नाम ही बदल देता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन जब आप नेस्टेड क्लास बनाते हो तो जो इनर क्लास बनती है इंटरनल वाली उसका नाम कंपाइलर कंपाइल टाइम पे चेंज करके पेरेंट क्लास का नाम डॉलर चाइल्ड क्लास का नाम लिख देता है, कर देता है ड्यूरिंग कंपाइलेशन। अब चूंकि कंपाइल टाइम पे उसने आउटर डॉलर इनर करके क्लास का नाम बदल दिया था इसलिए बाइट कोड भी उसी नाम से बन गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्लास जो है इनर, ये इनर नहीं रहा, इसका नाम आउटर डॉलर इनर कर दिया गया था, ठीक है। अब हैंड्स प्रूफ आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इसे देख सकते हो यहाँ पे कि अगर इसका नाम बदला नहीं गया तो इसका जो बाइट कोड बना वो क्लास के नेम से बना, और बाइट कोड को जब हमने डीकंपाइल किया तो इसके क्लास का नाम आउटर डॉलर इनर दिखा रहा है। इट मीन्स क्लास का नाम हमारा चेंज हुआ है, तभी तो इसके क्लास का नाम आउटर डॉलर इनर दिखा रहा है और उसी नाम से बाइट कोड भी बना है। तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे आपके इनर क्लास का नाम चेंज कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन व्हेनेवर यू आर कंपाइलिंग द प्रोग्राम
तो योर कंपाइलर इज गोइंग टू बी चेंज द नेम ऑफ योर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप बना के लिख भी सकते हैं कि ये हो गया हमारा क्लास और ये हो गया हमारी क्लास की पूरा डिटेल। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ से DC मतलब ड्यूरिंग कंपाइलेशन। अब ड्यूरिंग कंपाइलेशन क्या होता है कि आपकी क्लास के अंदर जो इंटरनल क्लास बनती है उसका नाम बदल के पेरेंट क्लास का नाम, यानी कि पेरेंट क्लास हमारी पेरेंट क्लास इस टाइम पे जिसका नाम है आउटर और डॉलर इनर क्लास का नाम, ठीक है, जो इंटरनली क्लास बनाई गई ये नाम कर दिया गया। ठीक है, और कंपाइल टाइम पे फिर इसी नाम से क्या बना दिया जाए, कंस्ट्रक्टर भी बना दिया गया। ठीक है, तो और इसी नाम से एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर भी बना दिया जाता है। तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन कंपाइल टाइम पे ये हमारे चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर क्लास का नाम बदल दिया गया तो क्वेश्चन है कि क्यों बदला गया, क्लास के नेम को बदलने का क्या पर्पज है। यहाँ पे नेस्टेड क्लास के अंदर ये चीज़, देखिए नॉर्मल प्रोग्राम बना के प्रोग्राम लिखना, इसको कंपाइल करना, रन करना, डजंट मैटर, बहुत आसान है। बट यहाँ पे चीज़ों को समझना बहुत थोड़ा टफ है कि कंपाइलर ने इसका नाम क्यों बदला, या जावा के अंदर ऐसा क्या रहा होगा कि कंपाइलर के अंदर ऐसा कोड लिखा गया, क्या ऐसी चीज़ थी, क्या ऐसा सिचुएशन था जिसकी वजह से मजबूर होकर इसका नाम बदला गया, नॉर्मल भी तो रख सकते थे। तो देखिए, अगर आप एक नेस्टेड क्लास बनाते हो, क्लास के अंदर क्लास, तो एक डेवलपर तो देख के समझ जाता है कि ये हमारी क्लास के अंदर क्लास है तो ये नेस्टेड क्लास है। ठीक है, ये क्लास को देख के समझ में आ रहा है एक डेवलपर के एंड से। बट जब आप इस कोड को कंपाइल करके इसका बाइट कोड बनाते हो तो हमारा जो रन टाइम है JVM, जैसे सर्वर के केस में हमारा कंटेनर है, व्हाटएवर, अगर हम स्प्रिंग हाइबरनेट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कंट्रोलर है, तो उसको आखिर कैसे समझ में आएगा कि ये जो हमारी क्लास है ये एक नॉर्मल क्लास है और ये एक नेस्टेड क्लास है। समझिएगा मेरी बात को, कि अगर आपके नेस्टेड क्लास का भी बाइट कोड क्लास के नेम से बना के रख दिया जाए, आपने देखा कि आउटर क्लास अलग थी, इनर क्लास अलग थी, जब मैंने इसको कंपाइल किया तो आउटर क्लास की बाइट कोड अलग बना, इनर क्लास का बाइट कोड अलग बना। तो अगर आउटर क्लास का बाइट कोड किसी और नाम से बना, सॉरी अपने नाम से बना, इनर क्लास का बाइट कोड अपने नाम से बना, ठीक है, अलग अलग क्लासेस थे, और जब इसको इसके अंदर भी रख देते तो फिर से भी मतलब आउटर क्लास का भी नाम अलग बनता, इनर क्लास का नाम अलग बनता, तो फिर ये तो कन्फ्यूज़न हो गया ना। हमारे लिए तो समझ में आ रहा है, बट कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये जो आउटर डॉट क्लास है या इनर डॉट क्लास है ये नेस्टेड है या नेस्टेड नहीं है। समझिएगा कन्फ्यूज़न को, कि भाई अगर ये नेस्टेड क्लास जो आपने बनाई है, अभी मैं इसे मैं हटा देता हूँ, मान लीजिए कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए और ये जो नेस्टेड क्लास है ये नेस्टेड क्लास बाहर बना दिया जाए, राइट। अब बाइट कोड तो अलग अलग नाम से बनेगा, आउटर का अलग, इनर का अलग, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ से हटाइए और इसके अंदर भी रख देते और इसका भी बाइट कोड अलग अलग नाम से बनता, आउटर का अलग, इनर का अलग, तो उस बाइट कोड को देख के हमारे रन टाइम को कैसे पता चलता कि ये नॉर्मल क्लास है या नेस्टेड क्लास है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न थी। इस पर्टिकुलर कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए, और चूंकि ये क्लास हमारी एक नेस्टेड क्लास है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कंसेप्ट लाया गया, यानी कि क्लास का नाम कंपाइल टाइम पे चेंज करा दिया गया और फिर उसी नाम से हमारा बाइट कोड बन गया। तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि आप प्रोग्राम बनाते हो और रन करते चले जाते हो, आप उसको समझते नहीं हो, तो बट ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप नॉर्मल क्लास के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाओगे तो एरर आ जाएगा, बट हाँ नेस्टेड क्लास के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाओगे, यानी कि जो इनर क्लास है उसके आगे लगाओगे, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच गाइस।